फेमिनिस्ट गेमिंग क्लासिक सोलो टूर्नामेंट में भाई साहब आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं भाई, हवा का आवाज़ आ ही रहा होगा, मौसम जो है पूरा ख़राब हो गया है, फिर भी जो है भाई टूर्नामेंट रुका कि नहीं, टूर्नामेंट अभी चल रही है, बस बारिश ना आ जाए, नहीं तो मज़ा भाई किरकिरा हो जाएगा। और यहाँ पर सारे बंदे भाई अपने अपने इमोट दिखाने में रेडी हैं। इस बंदे के पास भाई लो, एक बंदा मुक्का मार रहा था कि भाई फेंक दे कब, लेकिन बंदे ने फेंका नहीं, बचा के रख लिया किसी और मैप के लिए। चलो यहाँ पर देखते हैं, नंबर वन में प्लान तो आई गई है भाई लोग। जो भी चैनल नहीं है यार, फटाफट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। नंबर वन पर लेजेंड आरपी, लेकिन बंदा अभी जंप किया नहीं है। देख लेते हैं कौन सा बंदा, भाई सीजन वाइज चेक करेंगे कौन सा बंदा जंप कर रहा है। ओ भाई, सात बंदे अभी तक जंप नहीं किए, और ये VNM चीफ जंप कर दिया भाई। ये बंदा जाना चाह रहा है फैक्ट्री या फिर मार्स इलेक्ट्रिक, अभी जो है बंदा कंफ्यूज है। और ये पांडा का जो स्किन मिल रहा था जो करेक्टर को लेके सात मैच खेलने के बाद सज मिल रहा था, और वो भाई इस बंदे ने निकाल लिया है। जियोन FF की बात करें तो ये बंदा बीमा शक्ति स्टीव के लिए जंप किया है। स्नाइपर एम्बोट अभी भी है प्लेन में। देसी फकर की बात करें तो ये बंदा जाना कहाँ चाह रहा है भाई, ये तो छोटे से घर में ज़्यादा लगता है, यहीं पे कैंप कर लेगा या फिर क्या, चलो देखेंगे आगे। और कॉमरेड यहाँ पे चल रही हैं शिप यार्ड, अरे ग्रेव यार्ड बोल सही, कहाँ जाना चाह रहा है भाई। और ये बंदा जो है भाई ग्रेव यार्ड या नहीं बोल सही जाना चाह रहा है। और यहाँ FTD फरहान ने ठोक भी दिया, बहुत दिन बाद आए हैं गेम में। और यहाँ आदम सिंह को देखें तो ये बंदा चल दिया है रिवर्स साइड, इधर कोई और बंदा जाते हुए दिख नहीं रहा। देविल निखिल की बात करें तो इस बंदे को लूट मिला नहीं, और RNX एजेंट हो गया ख़त्म है, जिस सात्विक ने भाई पहले ही हवा में पहुंचा दिया। चलो बंदे को कम से कम प्लाज्मा बायोमेट्रिक तो मिल चुकी है। और स्नाइपर एम्बोट की हालत ख़राब है, SB लेजेंड ने भाई स्नाइपर एम्बोट को किया ख़त्म। और ये क्या चल रहा है, सिर्फ यहाँ मिल पर बंदे ही बंदे। लो 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 लो, शाश्वत गया काम से, और यहाँ फमास गौर ने शाश्वत को कर दिया ख़त्म। साहिल क्लॉक टावर पर NG ऋषभ की बात करें तो बंदा लाइन में नीचे लगा के बैठा हुआ है। यहाँ पर फाइट तो हो रहा है पीक पर, यहाँ ब्लू जोन है, मतलब सबसे ज़्यादा लूट यहाँ मिलेगा इस मैप में। लाइन में तो वैसे लगा नहीं है, उस टाइम कैसे दिख रहा था। और MS एंग्री ने फमास गोड को कर दिया ख़त्म, यानी एक बंदा जो है भाई वही था। और ये हाशमी भाई की बात करें तो ये बंदा भाई पानी में क्यों खुद किए लगा रहे हो भाई। और यहाँ ये जाना चाह रहा है रिवर्स साइड, मेरे को जहाँ तक लगता है। और रिवर्स साइड में भाई एक बंदा, और यहाँ साइल हो चुके हैं ख़त्म, एक बंदे ने ठोक दिया सामने रिवर्स साइड में एक बंदा। अगर यहाँ अगर गन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ मिल गया है इनको थॉमसन प्लस ऑग मिल गया, तो चलो मतलब कहीं भी बंदा फाइट लेने भर तो है, हो गए हैं भाई बिल्कुल अपने पैरों पर। और यहाँ वरुण ने जिस सातवीं को किया ख़त्म, बहुत तगड़ा गेम। FTD फरहान की बात करें तो बंदा का एक किल हो चुका है, 5 kills प्लस बुइया का टारगेट है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, 5 kills प्लस बुइया का टारगेट है, साथ में टीमिंग नहीं करना है, ऐसा ना हो कि फिर कैंप करके जीत के फिर बोलना दिया नहीं कुछ भी। 1 HP टाइसन की बात करें तो ये बंदा रिवर्स साइड भी है, और रिवर्स साइड की तब आगे बढ़ रहा है अर्ली बैक। अरे नहीं, ये बंदा कंफ्यूज है अभी, इसको जाना क्या, अच्छा इमोट दिखाने के लिए आ गया, हेलो ब्रो। चलिए अब अपने मंजिल की तरफ प्रस्थान करें। OP तानजी की बात करें तो यहाँ बंदा जो है शॉपिंग कर रहा है, M14 प्लस M187, बस ये M14 है या फिर क्या है भाई, A94 नहीं SKS या फिर M14, ऐसा ही कुछ लग रहा है बिल्कुल। हेलो ब्रो, अरे नहीं नहीं, ये हेलो बोल के मारता, मैं ऐसे देखूंगा नहीं। और यहाँ अली बैग की बात करें तो ये बंदा है मार्स इलेक्ट्रिक, राक्षसों वाला मुंह ले लिया भाई, कितना इसका पेट तो तब तो लगता है भरेगा ही नहीं। और यहाँ मिल गया बंदे को ग्लोबल भी MP40 प्लस फमास। MS एंग्री की बात करें तो ये बंदा मिल में एक किल के साथ, ऊपर भी ऐसे कोई बंदा पता नहीं, ऊपर वाला बंदा बच्चा भी है या फिर टपक गया। और ये बंदा राम सिंह मोट दिखाने में यहाँ बिजी, मिस्टर एंग्री। ओ भाई अली बैक हो चुके हैं ख़त्म। नाजी बॉस की बात करें तो ये बंदा 0 kill रिम नम विलेज। और यहाँ ध्रुव की बात करें तो ये बंदा भी लगा हुआ है M10 और साथ में लिया उड पेकर, लेकिन सामने कोई एक बंदा इनको दिख गया है जरूर, और उसी के फिराक में। लेकिन भाई खुद भी अगर बंदे के पास कुछ है तो थोड़ा सा छुप के बैठे, नहीं तो खुद भी गोली खा सकते हैं वहाँ से। SV लेजेंड भी की बात करें तो ये बंदा पिक के पास ही है, पिक के जस्ट नीचे कूद गया, बंदे का अभी तक है 0 kill। टोकन वोकन से भाई इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं। FTD फरहान ने रास्टर को भी ख़त्म किया बहुत तगड़ा, और 1 HP टाइसन ने आदम सिंह को। यहाँ TD लेजेंड ये बंदा है भाई 2 kill।
दो और यहाँ वरुण ने भाई कोबरा को कर दिया ख़त्म बहुत तगड़ा। अभी भाई मैंने उसे ही देखने जा रहा था लेकिन भाई फूटा किस्मत, भाई मैंने तुम पे अभी क्लिक करने जा रहा था लेकिन उससे पहले तुम शहीद हो गए। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता। और यहाँ मिस्टर साहिल, ये बंदा पोचिनोक में आखिर भाई क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ बिल्कुल बंदा है, बंदा तो है लेकिन बाल बाल बच गया। बंदा जो है पूरी तरीके से बच गया। और यहाँ आई एम दारू वाला, भाई ये भी लगा देते तो भाई समझ में आता। दारू वॉल, सामने एक बंदा दिख रहा है, सामने एक बंदा दिख रहा है और यहाँ लगता है ये पाइप लेंगे। ताजमहल जितना कम थोड़ा सा पास जाके भाई MP5 से फाइट ले लो तो शायद जीतने में आएगा मज़ा। दो दो का डैमेज पड़ रहा है और ये बंदा जो है भाई अब पास जाने के जीत में, नहीं बिल्कुल पास नहीं जा रहा, नहीं नहीं जा रहा है भाई जा रहा है। चलो देखते हैं कितना पास जा पाता है या फिर पहले ही शहीद हो जाएगा क्योंकि वो बंदा भी तो मारेगा ही मारेगा। ओ भाई वो बंदा भाग रहा था, ये बंदा डर के गुड़वा लगा लिया, ये कैसा गेम है। चलो कोई बात नहीं, अपना सेफ्टी जो है भाई सबसे पहला नंबर पर। और टीजी लेजेंड 9 ने GF को कर दिया ख़त्म। भाई GF तो मिली नहीं लेकिन गोली जरूर मिली है। चीकू की बात करें तो ये बंदा पिछला गेम जो भाई जीता था, अभी SG हार्ट हो चुके हैं ख़त्म और रास्टर भी यहाँ तो ख़त्म हो चुके हैं। चीकू का है 0 किल पिछला गेम भाई, मतलब जस्ट कल वाले टूर्नामेंट, कल वाला या फिर शायद कल वाला ही जीता था बंदे ने। SB लेजेंड की बात करें तो बंदा ने 3 किल कर लिया बस भाई, सब 2 किल और करके भुया ले लेना है तो भाई इसे मिल जाएगा टॉप अप जो कि 5 किल प्लस भुया का टारगेट है। लेकिन चीकू अभी 0 किल, चलो 19 बंदे LI में, अब देखते हैं। और यहाँ SB लेजेंड भी हो चुके हैं ख़त्म। ओ भाई ऊपर के सारे बंदे ख़त्म हो गए, एक वरुण बाकी है 4 किल पे। ये बंदा भी तगड़ा खेल रहा है। और ये क्या था, ये सामने आने पे फाइट हुआ है। ओ भाई इधर भी है। और यहाँ मिस्टर एंग्री को कर दिया ख़त्म वरुण। और यहाँ चीकू आ गए और वरुण का यहाँ पर 5 किल का टारगेट पूरा होने के जस्ट बाद भाई बंदा हो गया ख़त्म। बैड लक, कोई बात नहीं भाई होता रहता है। और यहाँ हाँ मारू GJ17 को देखे तो ये बंदा 0 किल। VNM चीफ की बात करें तो बंदा का 1 किल हो चुका है। ये बंदा भी है पोचिनोक में, और पोचिनोक में और 2 बंदे थे अभी तक, जिंदा हैं या फिर चले गए कुछ मालूम नहीं। और ये क्या, यहाँ स्नाइपर ने भाई 1 HP टाइसन को दे दिया हेडशॉट। और यहाँ पर शायद हो सकता है फाइट लेकिन बंदे को भाई चुपचाप जाने दिया, कुछ किया नहीं। और यहाँ पीछे से भाई दौड़ा तो रहा, चलो देखते हैं उसे कांटेक्ट हो पाता भी है या नहीं या फिर बंदा पहले ही सेफ साइड में पहुँच जाता है। चलो देखते हैं भाई, भाई लोग जो भी चैनल नहीं है फटाफट चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो। और यहाँ बंदा मेरे को जहाँ तक लगता है या तो टावर में चला गया होगा अभी तक, नहीं तो किसी घर में, नहीं नहीं सामने जा रहा है लेकिन ये बंदा कुछ कर नहीं रहा। एक तो भाई लगता है भाई पास जाकर ही मारेगा लेकिन भाई लग रहा है कि उससे उसके लिए बचेगा ना। यहाँ VNM चीफ ने भाई शहीद को कर दिया ख़त्म। और यहाँ GON FF की लग रही है कि हालत पेंट हो गई है। गिली बंदा ऊपर से भी आके डायरेक्ट जंप कर सकता है, नहीं तो एक ग्रेनाइड फेंक सकता है जिससे इनका टाटा बाय बाय वाला काम हो सकता है। चलो देखते हैं दोनों में से होता क्या है। और ग्रेनाइड है और ख़त्म। ध्रुव ने जेवन को कर दिया ख़त्म। स्नाइपर भाई की बात करें तो बंदे ने भाई एक किल किया है। M1 AT7 है, वुड पेकर है, मतलब लॉन्ग रेंज के लिए ठीक ही ठाक है। नीचे जस्ट फाइट हुआ है, देखे तो एक बंदा भाई इनको जरूर मिल सकता है किल के लिए। और हाँ मारू GJ17 ने VNM चीफ को कर दिया ख़त्म। देसी फकर की बात करें तो बंदा है 0 किल। और हाशमी भाई की बात करें तो ये बंदा अभी भी है 0 किल पर, सामने वॉल लगे हुए इतना, मतलब बंदा तो है। और ये कौन था, ये लगता है मेरे को टॉप बैजर। ओ भाई गजब का फाइट हुआ है, गजब का फाइट हुआ। और ये बंदा भाग रहा है,
लेकिन कहाँ तक भागेगा, भागने की भी भाई लिमिट होती है। अरे यहाँ बहुत सारे बंदे आ गए, यहाँ पे मतलब दो दो बंदे हैं। और यहाँ चीकू ने भाई हाशमी भाई को कर दिया ख़त्म। चीकू को एक बार देखते हैं, FTD फरहान का 3 किल हो चुका है और पितान जी अभी भी है 0 किल पर। ओ भाई बाइक की सवारी करेंगे। चीकू की बात करें तो यहाँ देखते हैं भाई कैसा फाइट रहता है। इस बंदे का 2 किल तो हो चुका है, एक बंदा यहाँ पर था जो कि भागा है या फिर यहीं छुपा हुआ है वो तो मालूम नहीं, बिल्कुल यहीं पर भाग रहा है। और बंदे को लगता है दौड़ा के मारने का पूरा प्लान है और ये हुआ फाइट। अरे 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 मौका छूट जा रहा है। लगता है भाई वॉल का पूरा भंडार लेके आया बंदा ने। ओ भाई इनका वॉल उनका कवर और ये गया नेट। 70 का तो डैमेज लग गया है और ये, और यहाँ चीकू ने देसी फकर को किया ख़त्म। 3 किल हो चुका है। चीकू का हेल्थ तो पूरा डाउन है लेकिन आराम से, और कोई बंदा है नहीं तो आराम से हील कर लेंगे। टोटल 8 बंदे बाकी हैं, देखते हैं भाई कौन सा बंदा बुया लेता है, क्योंकि इस बार लग रहा है सारे तगड़े बंदे भाई अभी भी जिंदा हैं। ये वरुण, ये बंदा भाई 5 किल किया हुआ था और पहले शहीद हो गया भाई, बुरा लग रहा है इसके लिए। लेकिन क्या करे भाई, गेम है, हर कोई हर बार नहीं जीत सकता, क्योंकि विनर तो भाई एक ही बनेगा यार। और हाँ मारू G17 भाई क्या नाम रखा यार, मतलब ओ भाई चलो कुछ नहीं बोलूँगा, तुमने ऐसा ही कर दिया तो। और यहाँ 1 किल हो चुका है फैक्ट्री में ये बंदा, लेकिन भाई 8 बंदे हैं सिर्फ, मतलब तुमको छोड़ के 7 बंदे, तब तुमको भाई फाइट लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें किल टारगेट पूरा करना है तो भाई फाइट तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। पीछे से बंदा अटैक कर सकता है। ओ भाई यहाँ पर भी बंदा वॉल लगा हुआ है। ओह झाड़ी बन गया। वुकोंग करेक्टर का भाई बहुत शानदार यूज हो रहा है हर मैच में, मेरे को जहाँ तक लगता है CS में भी बहुत बंदे यूज कर रहे हैं। स्नाइपर भाई की बात करें, अच्छा यही बंदा है यहाँ पर 1 किल। FTD फरहान ऑप्टी तानजी को भी कर दिया ख़त्म, मतलब बंदे का शायद हो चुका है 4 किल। तब बस उसे 1 किल चाहिए बुया के लिए। हाँ बिल्कुल 4 किल हो चुके हैं FTD फरहान को। भाई ये बंदा भी फैक्ट्री पर ही आ गया, मतलब 2 बंदे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी भाई ये बंदा किल ले ही लेगा मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। चलो देख लेते हैं क्या होती है कहानी। इस साइड से बंदा जा रहा है, इस साइड तो कोई है नहीं लगता है, पहले से मालूम चल गया बंदा यहाँ है या फिर क्या। हाँ बंदे को ऐसा मालूम तो चल गया है। ओ भाई और यहाँ ध्रुव ने हाँ मारू G17 को कर दिया ख़त्म, और लगता है बंदे ने यहाँ मारा है तो यहाँ लूट के लिए पहुँच गया है। और भी बंदे हैं लेकिन दिख नहीं रहे ऊपर से। चलो 6 बंदे बाकी है। इस बंदे का दवाई अगर भैया, और यहाँ चीकू ने ध्रुव को भी कर दिया ख़त्म, मतलब चीकू के भी 4 किल हो चुके हैं मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। आ गया चीकू, चीकू से सबसे नीचे। और ये बंदा भाई सेफ साइड के लिए निकल रहा है मेरे को जहाँ तक लगता है। TG लेजेंड का भी 3 किल, ये बंदा पोचिनोक ड्रैगनवा के साथ। और ये IM दारू वॉल 2 किल डबल वेक्टर। और यहाँ चीकू का हुआ है 4 किल, मतलब यहाँ शायद 5 किल यहाँ पूरा होगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बैक ले लिया बंदे ने बैक ले लिया, लेकिन वो बंदा भी भाई पीछे पड़ा हुआ है। किल लेकर ही मानेगा, लेकिन भाई किल हो भी सकता है क्योंकि तगड़ा बंदा भाई, कल भी बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले दिखाया, अभी भी दिख सकता है। लेकिन वो बंदे ने भाई डर के मारे ले लिया बैक, या फिर अपना स्ट्रेटजी खेल रहा है बिल्कुल उसी फिराक में बंदे। ओ भाई और यहाँ स्नाइपर भाई को कर दिया ख़त्म। चीकू ने 5 किल का टारगेट हो चुका, पूरा सिर्फ 4 बंदे अलाइव है। 4 बंदे कौन सा बंदा मार दिया,
सिर्फ चार बंदे लाए भी, देखते हैं भाई भुया कौन सा लेता है। ये बंदे का तो है 3 किल, ये तो भाई मार्च इलेक्ट्रिक में बहुत दूर, और ये बंदा फैक्ट्री में ही है। आई एम दारू वॉल, निकलना कैसे? अरे 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 बस बस भाई, ऐसे मारोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ना मारो। और ये बंदा का भाई 5 किल हो गया, और यहाँ पे कैंप कर लिया। चलो बहुत बढ़िया, ये एक तरह से सही है, किल टारगेट पूरा करके कैंप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जस्ट तुमको बुइया लेना है। क्योंकि अगर ऐसे ही फाइट करते रहो तो हो सकता है कि अगर किस्मत ख़राब हो तो भाई पहले टपक जाओ। और FTD फरहान की बात करें तो ये बंदा 4 किल टावर कैप्चर करके बैठ गया, और यही बंदा लगता है डैमेज दिया है वहाँ पर चिकू को। मैच भाई इंटरेस्टिंग तो हो चुका है, लेकिन बड़े से नहीं, छोटा जोन तो अभी बन ही गया। 17 सेकंड में जोन छोटा हो जाएगा, और वहाँ सामने बंदा, वो बंदा मेरे को जहाँ तक लगता है शहीद होगा। अरे अरे इसे कोई और भी मारा। मार्स इलेक्ट्रिक में एक बंदा है, शायद पत्थर के पीछे वो बंदा होगा। चलो देखते हैं कहाँ गया टीडी लेजेंड। ये बंदा 3 किल, और इस बंदे पे डैमेज कहाँ से आ रही है? अच्छा यहाँ यहीं पर है FTD फरहान। वैसे ड्रैगनो है, ड्रैगनो से भाई फाइट तो वैसे ले सकता है, और यहाँ जोन में पड़ गया, लेकिन ये पत्थर शायद बचा लेगा, लेकिन पत्थर भी ज़्यादा देर तक नहीं बचाएगा क्योंकि ये है जोन के बाहर, हेल्थ खा जाएगा। ओ भाई ये मिल गया, तो ये तो सही है। और यहाँ पर भाई फाइट के साथ होने वाला है, बाकी बंदे को भी देखें ये बंदा क्या कर रहा है। ये करे भी तो क्या करे भाई, डबल शॉर्ट रेंज का गन ले लिया, डबल वेक्टर, और ये बंदा यहाँ शहीद हो जाएगा मेरे को लगता है। हर जगह से गोली पड़ रही है इसको। अरे भाई इधर नहीं जाना है, इधर से भी बंदा मार रहा है। अरे 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 नवाबी बंदे की भाई नहीं घटनी चाहिए। अरे यहाँ फाइट होगा। ये पीछे से भी बंदा भाई मार रहा है, और ये क्रोनो का भी यूज हो गया, लेकिन क्रोनो का बाद में यूज होना था। यहाँ पे चीकू दे रहा है डैमेज इस साइड पे, और वो एक बंदा, लेकिन भाई खोपड़ी उठाई तो दिक्कत हो सकता है। और ये गया ग्रेनाइड, लो भाई बंदा कूदेगा, जरूर कूदेगा, पीछे से ही कूदेगा, लेकिन कूदेगा जरूर। और यहाँ टीजी लेजेंड गए हवा खाने, चीकू ने दे दिया टीजी लेजेंड को हेडशॉट, 6 किल भी हो चुका है। और ये बंदा भाई डबल वेक्टर लेकर इंतजार कर रहा है, ये बंदा करना क्या चाह रहा है? ओ भाई, अरे भाई पीछे भी बंदा है, पीछे का भी ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा। और ये गया मेरे को ज़्यादा लगता है, और FTD फरहान ने दे दिया हेडशॉट, मतलब इस बंदे के भी हो चुके हैं 5 किल पूरा मेरे को जहाँ तक लगता है। अब दोनों बंदे में से भाई कोई भी जीते भाई, मतलब टारगेट तो कंप्लीट हो ही चुका है, दोनों में से कोई भी जीतेगा तो भाई गिव अवे मिलेगा ही। ओ भाई अपने आप को हर जगह से घेर लिया है क्या? लो अब तो दिक्कत हो जाएगी बंदे को, और बंदा हो जाएगा एलिमिनेट, और फिर से लेगा चिकू बुइया, बिल्कुल ये हिल बैटल कर रहा है, दोनों बंदे भाई हिल बैटल कर रहे हैं। अरे कितना रखा है, और चिकू एलिमिनेट हो गया, फरहान जीत गया। इतना बड़ा धोखा यहाँ चिकू के साथ, क्या बोलेंगे भाई, जो भी बोलो कम है। वो बंदा को लगा कि खुद एलिमिनेट हो जाएगा, उसने ध्यान ही नहीं दिया, और हिल करना स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन ये बंदा भाई हिल किया जा रहा था, इसी से देख लिया कि सामने तगड़ा बंदा, और भाई हिल करके ही जीत गया। FTD फरहान का 5 किल का टारगेट पूरा भी हो गया, और बुइया भी ले लिया है। चीकू है 6 किल पर 2nd नंबर पे भाई, मतलब ये धोखा हो गया, उस बंदे ने ऐसा उम्मीद किया नहीं था, लेकिन यहाँ दिमाग लगा के भाई FTD फरहान ने ले लिया। भैया थ्रू भी बहुत बढ़िया खेला, TG लेजेंड उनका भी भाई ठीक ठाक हालत है, SB लेजेंड का भी 3 किल, और ये वरुण 5 किल करके पहले ही शहीद हो गया भाई।
ये बंदा को टिकना चाहिए था। और तो भाई लोग जल्दी से चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके बाद भाई हम गिवअवे दे देते हैं। चलो बाय बाय। हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ 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 भाई, मतलब मजा आ गया यार। सामने वाला बंदा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ तुम करोगे। वो बंदा जानते हो एकदम लाइटली ले लिया था कि आराम से वो जोन से एलिमिनेट हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। टॉप अप दे दे रहा हूँ, बहुत दिन बाद आया तुम। देखो चला गया, आ गया ना। चलो हाँ, बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।